दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पूरे YouTube पे, पूरे इंटरनेट पे आंखों की रोशनी को तेज करने से संबंधित, चाहे फिर आपको दूर का चश्मा लगाए कि पास का, इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिल सकती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, चार चीजों की मदद से मैं आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बनाना सिखाऊंगा आज इस वीडियो में, जिसको आप कांच के बर्तन में स्टोर करके 3 महीने तक रख सकते हैं। और ये आंखों की रोशनी को दोस्तों कहा जाता है कि 15 गुना तक तेज कर सकता है ये नुस्खा। पुराने जमाने में हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार दोस्तों ये घरेलू नुस्खा पुराने जमाने के लोग प्रयोग किया करते थे जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा इंस्पिरेशन बढ़ता है, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिले। सबसे पहली चीज जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं वो है दोस्तों कोरिएंडर सीड्स। हिंदी में, आपकी भाषा में, आपके गाँव में, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धनिए के बीज होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन B12 इसमें भरपूर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आंखों की रोशनी को दोस्तों किस तरह से ठीक करता है। हमारी जो रेटिना होती है आंखों की दोस्तों, उसी पे इमेज बनती है। जब वो ब्लर बनना स्टार्ट हो जाती है, फिर दूर का चश्मा और पास का चश्मा लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों, ये आपकी आंखों की जो रेटिना होती है, उसके पीछे जो नर्व्स होती हैं, उसकी नसें होती हैं, उसको खोलने में मदद करता है धनिए का बीज। अब इसका प्रयोग करने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए। इसके अलावा धनिए का बीज हाई ब्लड प्रेशर को दोस्तों नियंत्रित करने में, क्योर करने में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन होता है। धनिए का बीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है पेशाब जिनको खुल के नहीं आता है। अगर आप धनिए के बीज का पानी, धनिए के बीज को इतनी मात्रा में जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं पानी में भिगो करके रख देंगे, तो उसे पेशाब भी खुल करके आएगा, जलन होती है वो भी दोस्तों दूर हो जाएगी। चेहरे पे चमक, चुस्ती फुर्ती, ताकत लाने में भी धनिए के बीज का पानी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आइए जानते हैं दूसरे नंबर पे कौन सी चीज आपको लेनी है। चारों चीजों का मैं आपको मिक्सचर बनाना सिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप ये जो स्क्रीन में चीज देख रहे हैं इसको कहते हैं फेनल सीड्स, सौंफ कहते हैं इसको। अब देखिए, दो तरह के सौंफ मार्केट में आते हैं दोस्तों। एक तो आता है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, उसके ऊपर ना दोस्तों आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो आपको देसी सौंफ लेकर के आना है। ध्यान से देख लीजिए कैसे दिखते हैं ये देसी सौंफ। आपके गांव में, आपके शहर में दोस्तों सौंफ को क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सौंफ आंखों की रोशनी को तेज किस तरह से करते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों, सौंफ के बीच में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि आंखों की जो रेटिना होती है उसके नर्व्स को खोलने में तो मदद करता है, साथ में दोस्तों आपकी रेटिना की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, अगर इसका अन्य 3 चीजों के साथ में प्रयोग किया जाए। वैसे भी दोस्तों पुराने जमाने से सौंफ हमारे भारतीय ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में खाना खाने के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। उसका रीजन ये है, एक तो मुंह से बदबू नहीं आने देता है, और दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों ये पेट को भी दुरुस्त करने में मदद करता है। अगर आपका पेट, आपकी पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो वाग्भट ऋषि कहते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। आइए जानते हैं तीसरे नंबर पे आपको कौन सी चीज लेनी है आंखों की रोशनी तेज करने के लिए, नुस्खा बनाने के लिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने यहाँ पे लिए देसी मामरा गिरी। अब देखिए, मार्केट में बड़े तरह के बादाम आते हैं। आप कोई भी मार्केट से जा करके बादाम उठा करके ले आते हैं और सोचते हैं कि यह हमारी सेहत को बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैलिफोर्निया बादाम जो दोस्तों अमेरिका के बादाम होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें ऑयल कंटेंट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ बादाम का प्राइस, कुछ बादाम का रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है, कुछ बादाम का रेट बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। दोस्तों ये जो मामरा गिरी है, ये है कश्मीरी बादाम, कश्मीरी मामरा गिरी। इसका प्राइस में अगर आपको बताऊं, लगभग ये 2000 रुपए से शुरू होता है और 5000 तक इसका रेट जाता है। तो सबसे बेहतरीन वाले ऑयल कंटेंट जिसमें होते हैं वो आपको बादाम लेने, जिनकी पर्टिकुलर आंखों की रोशनी कमजोर है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में विटामिन ई और ए इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि आंखों को तेज करने के लिए इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता।
दो तरीकों से आपको बादाम का प्रयोग करना है। देखिए आगे मैं इस वीडियो में चारों चीजों को पीसने वाला हूँ। तो अगर आपकी बॉडी की प्रकृति पित्त प्रकृति की रहती है, आपके बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को पेट में गर्मी बहुत अधिक बनती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बादाम को रात को सोते समय भिगो देना है, सुबह छिलका उतार करके उनको पीस के फिर उनका चूर्ण बनाना, जो मैं आगे आपको वीडियो में बनाना सिखाऊंगा, जो आप दूध के साथ में लेंगे। और जिनको किसी भी तरह की पेट में गर्मी नहीं बनती है, वो ऐसे ही बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं आखिरी नंबर पे आपको कौन सी चीज का सेवन करना है, कौन सी चीज इस होम रेमेडी को बनाने के लिए लेनी है। दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है दोस्तों धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री के बीच में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छे से रिटेन होते हैं, लेकिन आप जो चीनी खाते हैं ना दोस्तों मार्केट में जो मिलती है, उसके बीच में किसी भी तरह की कैलोरीज के अलावा किसी भी तरह का पोषक तत्व नहीं होता है। चीनी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, आपको बिल्कुल भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धागे वाली मिश्री की एक खासियत होती है कि ये आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी किसी भी तरह से किसी भी कारण से बचपन से, चाहे फिर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है या फिर बड़े होने के बाद हुई है, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको नुस्खा किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं मैंने कौन कौन सी चार चीजों का इस्तेमाल किया है। आप ये दोस्तों अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चारों चीजें अपनी वीडियो में आपको दिख रही होंगी रख दी हैं। पहले मैंने लिया था यहाँ पे धनिये का बीज लगभग 100 ग्राम की मात्रा में, ध्यान से सुनिए क्वांटिटी। उसके बाद मैंने लिए थे दोस्तों ये सौंफ, ये भी लगभग 100 ग्राम की मात्रा में। अब मैं आपको जो मिक्सचर बनाना सिखा रहा हूं ना दोस्तों, उसको बनाने के बाद मैं आपको कांच के बर्तन में स्टोर करके रखना है, फिर मैं आपको अभी प्रयोग बताता हूं। तीसरे नंबर पे हमने लिए लगभग 100 ग्राम की मात्रा में बादाम, चौथे नंबर पे 70 से 80 ग्राम या फिर अपने स्वाद अनुसार आपको मिश्री इसके बीच में मिला लेनी है। सभी चारों चीजों को आपको ग्राइंडर या मिक्सर की मदद से या पत्थर का जो सिलबट्टा होता है उसकी मदद से आपको कूट लेना है, अच्छे से कूट लेना है दोस्तों। कूटने के बाद में दोस्तों बारीक इसका पाउडर बना लीजिए, बहुत ही जैसे पाउडर बनता है ना एकदम बारीक बारीक चूरन, वैसे इसका बना करके तैयार करके आप इसको आधे घंटे की धूप लगा करके किसी भी कांच के बर्तन में यूटेंसिल में स्टोर करके रख लीजिए। आइए अब जानते हैं प्रयोग किस तरह से करना है इसका और फायदे क्या दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले से ही होम रेमेडी तैयार करके इसका चूर्ण बना करके रख लिया है, कूट करके। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दोस्तों गाय का दूध लिया, आप चाहें तो बकरी का भी दूध ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको मिला लेना है अच्छे से दूध के बीच में। ये छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को दोस्तों अगर आप देते हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों उनकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करेगा। आप दोस्तों सर्दियों के मौसम में अगर इसका प्रयोग करते हैं होम रेमेडी का, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदा देती है गर्मियों के मौसम के बजाय। गर्मियों के मौसम में दोस्तों अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार ही